Hello guys, how are you? Fine? Very good. Take care of yourself during the coronavirus. Okay? Let's start with today's topic, which is titled Weighted Me. आप में से कुछ बच्चों ने इसको अगेन 9th-11th में पढ़ा होगा. The formula is similar to the discrete formula. सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ. लेकिन वहां एफ फ्रीक्वेंसी होता है बेटा, यहां है सिग्मा डब्ल्यू एक्स अपॉन सिग्मा डब्ल्यू. वेयर डब्ल्यू, समझो मिस्टर बब्लू, दिस डब्ल्यू स्टैंड्स फॉर वेट. नाउ व्हाट आर वेट्स? 5 किलो 10 किलो डंबल्स वाले वेट? नो. सो बताएंगे आप. लेट्स पॉज. व्हाट डू यू थिंक weights signify? Do you have an answer? Good. The answer is, these weights signify the relative importance of a variable. Data में सारी values equally important नहीं होती है. कुछ values ज्यादा important होती है, कुछ कम. जो values कम important है उनको weight छोटा देंगे, कम इंपॉर्टेंट है तो उसको वेट 1 या 2 दे दिया. कोई चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो उसको वेट 4 या 5 दे दिया अकॉर्डिंगली. और ये वेट बेटा एज स्टूडेंट्स आपको नहीं देना है, क्वेश्चन में गिवन होगा. तो लेट्स टेक अ एग्जांपल एंड सॉल्व इट. दिस डेटा इज गिवन. We will find the weighted mean. 4 2s are 8, 18, 40. The weighted mean is 6.6. अगर हम इसको रॉ डेटा लेते और ये फॉर्मूला लगाते तो आता ये 18/3, 6. This mean is called सिंपल मीन, जस्ट मीन. इट हैज नो वेट्स. हमने सिर्फ एक्स लिया है, सिग्मा एक्स अपॉन एम. इसका सिंपल मीन 6 आ रहा है जबकि व्हेन यू वी यूज द वेट्स 2, 3 and 5. वेट 2 मीन्स 4 की इंपॉर्टेंस कम है, वेट 3 मीन्स 6 की इंपॉर्टेंस 4 से ज्यादा है, और वेट 5 मीन्स 8 की इंपॉर्टेंस सबसे ज्यादा है. व्हेन वी अप्लाई द फॉर्मूला आंसर 6 नहीं आ रहा है. वी आर गेटिंग एन आंसर इक्वल टू 6.6. तो ये था बेटा इसका कैलकुलेशन पार्ट. एंड हमने क्या देखा, सिंपल मीन अलग आ रहा है, वेटेड मीन अलग आ रहा है. यू माइट हैव अ रॉन्ग नोशन कि वेटेड मीन हमेशा सिंपल मीन से बड़ा होता है. कब ये होता है, कब नहीं होता है, क्या ये दोनों मीन सिंपल मीन और वेटेड मीन इक्वल होते हैं, इन चीजों को हम डिस्कस करते हैं. एंड आई रिपीट, दिस वेट सिग्निफाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ अ वेरिएबल. इसको भी हम एग्जाम्पल से समझेंगे, फिलहाल आप इसको कॉपी करें. नाउ वी विल डिस्कस की वेटेड मीन या सिंपल मीन में से कौन सा बड़ा होता है. तो फॉर दैट आई टेक अ डेटा जिसमें एक्स की वैल्यू सेम 2, 4, 6, 2, 4, 6, 2, 4, 6, लेकिन वेट्स हमने अलग अलग लिए. सबसे पहले मैंने वेट्स लिया है 1, 2, 3. लेट्स कैलकुलेट द वेटेड मीन. 2 1s are 2, 4 2s are 8, 6 3s are 18, 28. अगर हम सिंपल मीन लें
6 and 4, 10 and 12, 12 upon 3. फर्स्ट डेटा में क्या देख रहे हैं आप, सिंपल मीन इन तीन वैल्यूज का 4 है, लेकिन वेटेड मीन 4.67 है। तो आपको लग रहा है कि वेटेड मीन हमेशा बड़ा होता है, लेकिन नहीं बेटा, ध्यान से सुनो इस प्रॉपर्टी को। इफ स्मॉलर वैल्यूज 2, 4 और 6 में स्मॉलर 2 है, इफ स्मॉलर वैल्यूज आर गिवन अ स्मॉलर वेट एंड बिगर वैल्यूज आर गिवन बिगर वेट। हिंदी में बोले तो बेटा, छोटी संख्याओं को छोटा भार और बड़ी संख्याओं को बड़ा भार दे, तो हमेशा वेटेड मीन सिंपल मीन से बड़ा होता है। अब हम रिवर्स करते हैं, इस बार सिंपल मीन इन वैल्यूज का अगेन 4 है, वेटेड मीन इस बार बड़ा नहीं है, वेटेड मीन सिंपल मीन 4 से छोटा है 3.33। तो व्हाट इज द प्रॉपर्टी नाउ, स्मॉलर वैल्यूज आर गिवन बिगर वेट, ये स्मॉल वैल्यू है और ये वेट्स में सबसे बिगर है, तो स्मॉलर वैल्यूज आर गिवन बिगर वेट एंड बिगर वैल्यूज आर गिवन स्मॉलर वेट। छोटी संख्याओं को बड़ा भार दें और बड़ी संख्याओं को छोटा भार दें, तो हमेशा वेटेड मीन सिंपल मीन से छोटा होगा। लास्ट केस, इसका रिजल्ट और सरप्राइजिंग है, इस बार सिंपल मीन और वेटेड मीन इक्वल देखेंगे आप। लेट्स सी, सिंपल मीन भी 4 और वेटेड मीन भी 4। इफ ऑल वैल्यूज, आई रिपीट ऑल, इफ ऑल वैल्यूज हैव द सेम वेट 2 2 2, इट कैन इवन बी द वेट्स कुड बी 3 3 3 और 5 5 5। इफ ऑल वैल्यूज आर गिवन द सेम वेट्स, देन वेटेड मीन इज ऑलवेज ऑलवेज इक्वल टू द सिंपल मीन। तो लेट्स समराइज इट, तीन प्रॉपर्टीज है वेटेड मीन की। फर्स्ट, इफ स्मॉलर वैल्यूज आर गिवन स्मॉल वेट एंड बिगर वैल्यूज आर गिवन बिगर वेट, देन द वेटेड मीन इज ग्रेटर देन सिंपल मीन। पॉइंट नंबर 2, इफ स्मॉलर वैल्यूज आर गिवन बिगर वेट एंड बिगर वैल्यूज आर गिवन स्मॉलर वेट, देन द सिंपल मीन इज ग्रेटर एंड द वेटेड मीन इज स्मॉलर देन द सिंपल मीन। एंड द लास्ट पॉइंट, द थर्ड पॉइंट, इफ ऑल वैल्यूज, आई रिपीट ऑल, if all values are given the same weight, then weighted mean is numerically equal to the simple mean. Friends, weighted mean पे theoretical question भी बन सकता है। I again repeat, simple mean हम वहां use करते हैं जहां सभी values are equally important, जबकि weighted mean वहां यूज होता है जहां ऑल वैल्यूज आर नॉट इक्वली इंपॉर्टेंट, कुछ वैल्यूज ज्यादा इंपॉर्टेंट है और कुछ वैल्यू कम इंपॉर्टेंट है। हम समझते हैं इस बात को। सपोज आपका क्लास 11th का बिगनिंग सेशन है, अभी अप्रैल मई जून है, तो आपके लिए वीडियो गेम खेलना, पबजी खेलना, इसकी इंपॉर्टेंस ज्यादा होगी और पढ़ाई की इंपॉर्टेंस कम होगी, पढ़ाई को आप कम टाइम देंगे। एंड यही अगर आप सोचे फरवरी आ गया, मार्च में आपके एग्जाम्स हैं, तो इस समय पढ़ाई का वेटेज, पढ़ाई का इंपॉर्टेंस ज्यादा होगा और गेम्स का इंपॉर्टेंस कम होगा। द सेम अप्लाइज टू अ सेट ऑफ वैल्यूज, देयर कैन बी सिचुएशंस जहां आपके पास 5 या 10 वैल्यूज हैं और उनमें से कोई 2-3 वैल्यूज ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बाकी वैल्यूज कम इंपॉर्टेंट है, तो पर्पसफुली हम जो इंपॉर्टेंट वैल्यूज है उनको बड़ा वेट देंगे 4 5 या 6, जो वैल्यूज कम इंपॉर्टेंट है उनको वेट देंगे 1 या 2। आई टेक एन एग्जाम्पल एंड एक्सप्लेन यू, सो लेट्स डिस्कस द प्रैक्टिकल यूटिलिटी ऑफ वेट्स। दीज आर मार्क्स ऑफ 2 डिफरेंट स्टूडेंट्स, ए एंड बी।
एक दोनों स्टूडेंट्स के साइंस सब्जेक्ट था ट्वेल्थ क्लास के अंदर, और इनके मार्क्स जो हैं वो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स, आई रिपीट पीसीएम, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स इंग्लिश और हिंदी के मार्क्स भी है बेटा। तो ये मिस्टर ए के मार्क्स है, द टोटल इज 400। ये मिस्टर बी के मार्क्स है, द टोटल इज 350। अब सपोज करें इंजीनियरिंग कॉलेज में एक ही सीट वेकेंट है, ओनली वन सीट इज वेकेंट, एंड दीज टू कैंडिडेट्स अप्लाई, एंड इफ द डीन ऑफ द कॉलेज द प्रिंसिपल ऑफ द कॉलेज सेज आई विल यूज द सिंपल मीन, जिस स्टूडेंट के सिंपल मीन एवरेज मार्क्स ज्यादा है हम उसको एडमिशन देंगे। टेक अ लुक, द टोटल इज 400, 400 डिवाइड बाय 5, द सिंपल मीन एवरेज मार्क्स इज 80। दिस स्टूडेंट हैज अ टोटल 350 ओनली, 350 डिवाइड बाय 5, 70। सो व्हाट डू यू ऑब्जर्व, कि अगर सिंपल मीन को क्राइटेरिया माना जाए तो मिस्टर ए विल गेट एडमिशन। अब आप इस डेटा को ध्यान से देखें, क्या आपको ये सही लगता है कि ए को एडमिशन मिलना चाहिए? थिंक, पॉज। हाँ, कुछ सोचा आपने इस पॉज में? आपको लगता है सही है ए के 400 मार्क्स है, ये एवरेज मार्क्स ए के ज्यादा है, शुड बी सिलेक्टेड फॉर इंजीनियरिंग कॉलेज? सोचा आपने? हिंदी के इतने अच्छे मार्क्स, फुल आउट ऑफ फुल, इंग्लिश में 90 मार्क्स, क्या उसको इंजीनियरिंग कॉलेज में लिटरेचर पढ़ना है? इधर देखें, बी के मार्क्स देखें, फिजिक्स में बेटर देन ए, केमिस्ट्री में भी बेटर, और मैथमेटिक्स जो इतना इंपॉर्टेंट पेपर है इंजीनियरिंग में, ओनली मैथ्स में भी काम आता है, फिजिक्स केमिस्ट्री में भी मैथ्स बहुत काम आता है, उसमें इसके 60, इसके 90। सोचे आप, इज गेटिंग ए सेलेक्टेड लॉजिकली करेक्ट और नॉट? फॉर योर क्लैरिटी आई हैव इंट्रोड्यूस नाउ वेट्स। अज्यूम दैट आई एम द डीन, द प्रिंसिपल ऑफ इंजीनियरिंग कॉलेज, आई एम अ प्रोफेसर टीचर ऑफ कॉमर्स, अज्यूम करें, ठीक है, एक्चुअली आई एम नॉट द डीन, बट आई हैव गिवन द वेटेज, एंड द वेट आप देखें अलग अलग है। तो बेटा मैंने हिंदी को वेटेज 1 दिया है, क्योंकि इंजीनियरिंग जो होती है उसमें हिंदी का इंपॉर्टेंस लीस्ट है। इंग्लिश का वेटेज 2 दिया है, उसका रीजन है बेटा इंडिया में जो इंजीनियरिंग होता है वो हिंदी मीडियम में नहीं होता है, इट इज एन इंग्लिश मीडियम, तो इंग्लिश सब्जेक्ट की इंपॉर्टेंस से हिंदी से डबल है। केमिस्ट्री का वेटेज 3, फिजिक्स का वेटेज 4, और मैथ्स जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है उसको वेटेज 10 दे दिया। हम चाहते तो 5 भी दे सकते थे, बट इट्स एन एग्जाम्पल, वी हैव असाइंड वेट्स, एंड एज स्टूडेंट्स आपको वेट्स असाइन नहीं कर रहे हैं, क्वेश्चंस में वेट्स गिवन होंगे, तो वेट्स के अकॉर्डिंगली हमने वेटेड मीन का फॉर्मूला लगाया, वही सिग्मा डब्ल्यू एक्स अपॉन सिग्मा डब्ल्यू, डब्ल्यू इंटू एक्स वी गेट दिस कॉलम 1400 डिवाइड बाय 20। मिस्टर ए का वेटेड एवरेज, सिंपल मीन नहीं, वेटेड मीन, वेटेड एवरेज इज 70। सेम वेट्स हमने यूज किए मिस्टर बी के लिए, वी अप्लाइड डब्ल्यू एक्स निकाला, डब्ल्यू एक्स की टोटल 1620 डिवाइड बाय 20, द वेटेड मीन, आई रिपीट नॉट द सिंपल मीन, द वेटेड मीन इज 81। अब बीइंग द डीन ऑफ द इंजीनियरिंग कॉलेज आई विल गिव प्रेफरेंस नॉट टू सिंपल मीन बट वेटेड मीन, तो अगर मैं इस लॉजिक को अप्लाई करता हूं तो ऑब्वियसली सी टेक है, टू स्टूडेंट्स हैव अप्लाइड, आई टेक दैट स्टूडेंट हुज वेटेड एवरेज इज मोर, तो नाउ इंस्टेड ऑफ ए मिस्टर बी वुड गेट सेलेक्टेड, एंड माय फ्रेंड्स इट इज लॉजिकल, इट इज रैशनल, क्योंकि इस स्टूडेंट को सिलेक्शन देना गलत है, ये हिंदी इंग्लिश में अच्छा है लेकिन इन सब्जेक्ट्स में रिलेटिवली पुअर है, जबकि मिस्टर बी इन सब्जेक्ट्स में मिस्टर ए से बेटर है, और ये सब्जेक्ट जो लेस इंपॉर्टेंट है, लेस इंपॉर्टेंट है तभी तो वेट 1 और 2 है, और ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो वेट, तो जब हमने वेट्स को इंट्रोड्यूस किया दोस्तों रिजल्ट चेंज हो गया। सिंपल मीन में मिस्टर ए वाज गेटिंग सेलेक्टेड, सिंपल मीन 80 था और उसका सिंपल मीन 70 था, लेकिन जब हमने वेट्स को इंट्रोड्यूस किया विच वॉज लॉजिकल, मिस्टर बी गॉट सेलेक्टेड विच वॉज अप्रोप्रिएट, तो
बेटा आप लर्न कर लें, वेट्स आर असाइन अकॉर्डिंग टू रिलेटिव इंपॉर्टेंस एंड बिफोर वी क्लोज दिस लेक्चर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, वेट इज नॉट द सेम एज फ्रीक्वेंसी, दो फॉर्मूला अपीयर सेम, सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ, सिग्मा डब्ल्यू एक्स अपॉन सिग्मा डब्ल्यू, आपको लगता है फॉर्मूला एक ही तो है, नो, फ्रीक्वेंसी इज द रिपीटेशन ऑफ अ वेरिएबल, यहां ये फोर रिपीटेशन नहीं बेटा, क्योंकि अगर ये रिपीटेशन है तो इसका मतलब होगा कि फिजिक्स का एग्जाम उसने चार बार दिया, मैथ्स का एग्जाम 10 times दिया, ऐसा नहीं है ना बेटा, दीज आर वेट्स, दे सिग्निफाई द इंपॉर्टेंस ऑफ अ वेरिएबल, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर जिस सिचुएशन में सभी वैल्यूज इक्वली इंपॉर्टेंट है वहां पे हम सिंपल मीन यूज करेंगे, बहुत रेयरली ऐसा होता है कि वैल्यूज अलग अलग इंपॉर्टेंस की होती है, उस सिचुएशन के लिए बना है वेटेड मीन। हम इसको आगे इंडेक्स नंबर में भी पढ़ेंगे दोस्तों, इसको याद रखना, इंडेक्स नंबर एक चैप्टर है हमारे, वहां पे भी हम वेटेड इंडेक्स नंबर पढ़ेंगे, तो इसका इंपॉर्टेंस आपको और ज्यादा रियलाइज होगा। तो आई होप यू एंजॉय टूडेज लेक्चर ऑन वेटेड मीन, कीप लर्निंग, कीप योरसेल्फ सेफ, कीप योरसेल्फ मोटिवेटेड, दैट्स ऑल।